नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑरेंज केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दो ऑरेंज ले लिए। ऑरेंज या किन्नू कुछ भी ले सकते हैं आप। अब हम इनको, इसके छिलके को थोड़ा सा घिस लेंगे फ्लेवर और कलर के लिए। वाइट पोर्शन नहीं आने देना हमने इसका, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज जेस्ट मैंने निकाल लिया है। अब हम ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। चाहे तो आप नींबू की तरह निचोड़ लीजिए। इसका रेशा भी लेंगे और जूस भी लेंगे। ऑरेंज जूस मैंने निकाल लिया है। हमने एक कप मैदा ले लिया है, आधा कप दही है, नॉर्मल टेम्परेचर की लेनी है, और आधा कप ही शुगर पाउडर है, चौथाई कप रिफाइंड है। इधर मैंने एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। एक कप ऑरेंज जूस है। सबसे पहले हम दही लेंगे, शुगर पाउडर लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही और शुगर मिक्स होने के बाद रिफाइंड डाल लेंगे, जेस्ट भी डाल लेंगे इसी में। मिक्स करेंगे। अब हम सभी ड्राई सामान को छान लेंगे। मैदा लेंगे, मिल्क पाउडर लेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान लेंगे इन्हें अच्छी तरह। मिक्स कर लेंगे इनको हम। थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस इसमें मिलाते रहेंगे। अच्छे कलर के लिए हम इसमें दो बूंद फूड कलर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे भी। ट्रे में बटर पेपर मैंने फैला लिया है। ऊपर से थोड़ा टूटी फ्रूटी डाल देंगे। 10 मिनट पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। और ढककर लो फ्लेम पर आधा घंटा पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम केक को चेक कर लेंगे। केक बन चुका है, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे हम। केक को हम टिन से निकाल लेंगे, काट कर देखेंगे अब हम इसे। बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और स्पंजी ऑरेंज केक बनकर तैयार है। ऑरेंज का सीज़न भी है, आप भी ज़रूर बनाइए केक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।